साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। मैं सीधे चुनाव करा के आ रहा हूं और चुनाव कराने के बाद मैं पीठासीन भूमिका में था और सोचा क्यों मैं आपके साथ वो अपने अनुभव साझा करूं जिससे जो हम सबको एक कठिनाई आती है चुनाव कराने के बाद। जब हम आते हैं तो हमें कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद लाइन से हमें बाहर कर दिया जाता है और मेरा बहुत सा टाइम जो है वो बेकार चला जाता है और इतनी थकावट के बाद आते हैं तो अक्सर रिपोर्टें गलत बन जाती हैं। तो आज मैं यहाँ पर वही सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आप सीधे मतदान स्थल से आएँ और अपनी बस से उतरने के बाद सीधे आप मत पेटिका जमा कर सकें। तो उसकी जानकारी कैसे करें, कैसे जमा करेंगे, कौन कौन से प्रपत्र बनेंगे, उनमें आप क्या क्या लिखेंगे, ए टू जेड बताऊंगा जिससे आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। यहां पर हमें तीन अति महत्वपूर्ण प्रपत्र जमा करने होते हैं जिन्हें हम अपने हाथ में लेकर के रखते हैं और एक एक करके दिखाते जाते हैं। तो सबसे पहला आता है रिसेट मेमो, ये तीन प्रतियों में बनाना रहता है। एक प्रपत्र 36 जो अति महत्वपूर्ण होता है, मत लेखा इसे चार चार प्रतियों में बनाना रहता है और पीठासीन की डायरी इसे एक प्रति में बनाना रहता है। अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि इन्हें कैसे तैयार किया जाए और आप इन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द बना सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण आपके प्रपत्र है उसमें प्रपत्र 40 रिसेट मेमो है। उसमें जैसे ही आपको वोटर लिस्ट मिलेगी, जैसे ही आपको एक फाइल दी जाएगी, उसमें आपको पंचायत का नाम क्या है, हालांकि आप वोटर लिस्ट से भरिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो पंचायत का नाम लिख लेना है, उसका क्रमांक संख्या क्या है ये आपको लिख लेनी है, पीठासीन अधिकारी का नाम स्वयं आपको भर लेना है, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक आपको दिया रहेगा वो भी भर लेंगे, पता चल जाएगा मतदान स्थल का नाम और क्रमांक ये भी आपको वोटर लिस्ट से पता चलेगा वहाँ से भर लेना है। और आप 19 वाला या फिर 26 वाला या फिर 29 वाला चुनाव कराने जा रहे हैं उसकी डेट आप पहले से भर के लिख सकते हैं, पीठासीन का नाम लिख सकते हैं। और जैसे ही आपको ये दूसरा दिन जब सामान मिलेगा चुनाव के एक दिन पहले, तो उसमें ढेर सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, इनको सिर्फ भर के रख लेना। बाकी इस प्रपत्र में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने नीचे हस्ताक्षर करके रख लेना है। तीन प्रतियाँ बनेंगी। पहली प्रति आपकी जब हम पेटियाँ जमा करने जाएंगे और जो संवैधानिक और असंवैधानिक लिफाफे हैं या जो आपकी खाली पेटी थी और भरी हुई पेटी है, ये सब सारी चीज़ें जहाँ जमा होती हैं वहाँ पर जमा कर लेगा और आपसे एक रिसिट मेमो ले लेगा। उस रिसिट मेमो पे जब ये सामान जमा हो जाने के बाद आपका बैग होगा, ब्रास सील जो मिलती है वो आपकी जमा हो जाएगी और वो दूसरा व्यक्ति आपसे ले लेगा जो आपका सामान लेगा, और वो जो तीसरी बचेगी उसको लेकर के आपको आ जाना है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से के पास, जो कि आपको वहाँ से रिलीव कर देगा और आपका काम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है अगला प्रपत्र होता है प्रपत्र 36 मत लेखा भाग एक, यही हमको भरना होता है। तो इसमें हमको चार चार प्रतियों में ये बनाने रहते हैं, अधिकतम आपके 30 और न्यूनतम आपसे 12। तो सबसे पहला अगर आपके जिस ग्राम में आप जा रहे हैं तो अगर ग्राम पंचायत सदस्य हैं तो उनका आपकी चार प्रतियों बनाना रहेगा, ग्राम प्रधान तो निश्चित तौर पर रहेगा तो उसकी चार प्रतियों बना लेना है, और सदस्य क्षेत्र पंचायत जिसे हम लोग BDC के नाम से जानते हैं इसके भी चार प्रपत्र बनाने होंगे, और जिला पंचायत के का भी कैंडिडेट अवश्य खड़ा होगा जिसके आपको चार चार बनाने होंगे। तो आपने यहाँ से देख लिया होगा 4 × 16 हो गए। फिर आप सोच रहे होंगे 30 कैसे बताए जा रहे हैं। कभी कभी होता क्या है, ग्राम पंचायत सदस्य में वार्डों के हिसाब से खड़े हो जाते हैं, मान लिया दो फंस गए तो आपके जहाँ पर मैंने 4 लिखे वहाँ पर आपको 8 बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्षेत्र पंचायत में भी अगर क्षेत्र अलग अलग फंस गया तो आपको 4 और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए मतपत्र लेखा आप अधिक से अधिक रखिए। आइए बात करते हैं कि मतलेखा कैसे भरा जाए। तो आपको जिस दिन चुनाव होगा उसके एक दिन पहले आपको मतपत्र दिए जाएंगे
सभी पदों के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये प्रधानी का जो है, जो ग्राम प्रधान है, उसका मैंने आपको जो है मतलेखा दिखा रहा हूँ। तो जो मिलेगा, तो जो भी मतपत्र मिलेंगे वो एक आवरण में आपको लिपटे हुए मिलेंगे, जिस पर सारी डिटेल लिखी होगी। जैसा कि आप पहले देख रहे होंगे, हमने सबसे पहले भरा है कि मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर संख्या जो है, मतपत्र जो दिए होते हैं उनका एक सीरीज होती है, वो एक भी सीरीज, जैसे मुझे एक ही सीरीज के मिले तो मैंने लिख दिया है 044-2701 से 44-3410 तक कुल 710 मिले। मान लिया, सपोज कर लो ऐसे आपको मिले तो 710 मत पत्र आपको दिए गए। अब ये एक सीरीज में हो सकते हैं, दो भी सीरीज में हो सकते हैं और तीन सीरीज में भी हो सकते हैं। ये आप रात को ही नोट कर लें, जिस दिन आप पहुंचेंगे पोलिंग पार्टी पे। और उसके बाद अब आपको एक चालाकी ये रखनी है कि जो भी मतपत्र सुबह आप प्रधानी पद हेतु अलग लिख लें, ग्राम पंचायत सदस्य के अलग लिख लें, BDC के अलग लिख लें और जिला पंचायत के अलग लिख लें, जो जो मतपत्र आप इशू करते जाएं वो आपने एक सादे पेपर पे नोट करते जाएं। और जैसे ही सायं जितने बजे आपका चुनाव ख़त्म होता है, वो 6 बजे भी ख़त्म हो सकता है, 7 बजे भी ख़त्म हो सकता है, 8 बजे भी ख़त्म हो सकता है, 9 बजे भी, क्योंकि पिछली बार जो हमने चुनाव कराया उसमें 9:30 और 10 बजे तक भी चुनाव हुए हैं, क्योंकि इसमें इतने बैलेट पेपर रहते हैं, अधिक से अधिक कैंडिडेट रहते हैं और अधिक बैलेट रहने के कारण बहुत टाइम लग जाता है। तो सबसे जो लास्ट का जो दूसरा पॉइंट होता है, उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को दिए नहीं गए। तो इसमें आपको जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, सभी पदों का जो जो आपने मतपत्र दिया उसके बाद, जस्ट उसके बाद वाला नोट कर लेना है और लास्ट वाला नोट कर लेना है। तो कितने मत बचे, तो सीधा है साहब, जितने पड़े होंगे, जितने आपको मिले और जितने बचे, और उनको दोनों को जब हम माइनस कर लेंगे, जैसे हमारे यहाँ 710 मिले थे, 333 बचे, तो हमारे पास 577 वोट पड़े, निकाल लेंगे। और 577 वोट आप जो है, जो प्रणपत्र होंगे उनसे आप काउंट कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर आपको दिया गया, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, ऐसा होता ही नहीं है। निबंधित मतपत्र हमने पहले वीडियो बना रखा, बहुत कम दिए जाते हैं, दिए ही नहीं जाते, तो ये भी आपको नीली भरना है। मुद्रण में अगर कोई त्रुटि हो, ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो कुल मिला के पेटी में डाले गए मतपत्र आपके, जितने आपने ऊपर लिखे थे वही संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप मतलेखा चारों पद के लिए बना लेंगे और बहुत आसानी से उसे आप जमा कर पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और प्रपत्र होता है, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती लेकिन बनाना अवश्य पड़ता है, बिना इसके जमा नहीं होता है, वो है प्रपत्र 35 पीठासीन की डायरी। तो इसमें करना क्या रहता है, विकास खंड का अपना नाम लिख लेना है, मतदान का दिनांक पहले लिख लीजिए, मतदान स्थल का संख्या व नाम लिख लीजिए आप, मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में है, और अक्सर प्राइमरी स्कूलों में होता है तो आप यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग में, यानी सरकारी जो लिखा वहाँ पे आप टिक कर देंगे। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस डायरी में आपको भरना रहता है कि महिला और पुरुष कितने हैं। जो भी आपको वोटर लिस्ट मिलेगी उसमें महिला और पुरुष की गणना नहीं की गई है। तो जब भी आपको वोटर लिस्ट मिलती है, अपने P1 से कह दीजिए कि आप इसमें से महिला और पुरुष को अलग अलग वो छांट लें, और छांटने के बाद आप मतदान प्रारंभ होने से पहले ही पूछकर इस प्रपत्र में आप भर सकते हैं। और मतदान समाप्त होने पर देख लेना है कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया, और उनका योग कर देना है, और पुरुष का परसेंटेज और महिला का परसेंटेज भी लिख लेना है और योग भी करके देख लेना है। तो इस प्रकार से आपका पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरे भाग में आपको क्या करना है, 7 से 9 तक कितने वोट पड़े, 9 से 11 तक कितने, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 6 बजे तक, पहले 5 बजे तक, पुरानी डायरी है इसलिए उसमें हमने 6 तक लिख दिया। ये आप सिंपली कर देंगे और करने के बाद आपकी पीठासीन की डायरी तैयार हो जाएगी और अपने साइन कर लेंगे। उसके बाद पीठासीन डायरी का अगला भाग आता है कि यदि मतदान स्थगित करना पड़ा तो ऐसे में मतदान की अवधि आपको लिखना है। हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा,
जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला उसका सही समय, जो आखिरी समय रहा वो आप लिख देंगे। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, बस यहीं पर आपको एक वाक्य में लिख देना है, मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर सायं जितने बजे तक हुआ संपन्न हुआ और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और अपने साइन कर देंगे। इस प्रकार से ये तीनों प्रपत्र आपके तैयार हो जाएंगे और तीनों प्रपत्रों को आप अपने हाथ में रखिएगा और बस अपनी पेटी के सहित जैसे ही आप पहुंचेंगे आप दिखाएंगे, निश्चित तौर पर 5 मिनट के अंदर आपका बॉक्स जमा हो जाएगा और आपसे अन्य कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको अड़चन करेगी। संभवतः ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, अगर पसंद ना आया हो तो इसे डिसलाइक करें और अगर पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल हमारा शैक्षिक के तौर पे टीचरों को समर्पित है, बच्चों को समर्पित है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समर्पित है। जो समय समय पर हमारे पास घटनाएं आती रहती हैं, जो भी नई चीज़ें आती हैं वो हम आप तक अवश्य पहुँचाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।